रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसिस। मतलब कि अगर दो ऐसे ट्रायंगल है जो डिफरेंट है, सिमिलरिटी उसमें नहीं है, हाँ, बट उनकी हाइट जो है इक्वल है, ऐसे दो ट्रायंगल जिनकी हाइट इक्वल है, तो उनका जो एरिया का जो रेशियो है वो किस पर डिपेंड करेगा? तो वो डिपेंड करेगा उनके बेस पर। कैसे? तो देखते हैं भाई, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया, या फिर ऐसे लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। अब देखिए भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है 1/2 बेस इनटू हाइट, 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। ओके, अब भाई यहां पर देखिए, 1/2 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा। बेस के बारे में अगर बात करें हम, तो इसका बेस है बीसी, बीसी इंटू एडी, और ये है क्यू आर इंटू पी एस। अब यहां पर देखिए, बेस दोनों के डिफरेंट है, इसे हम बी वन और इसे बी टू दे देते हैं, पर हाइट को एच वन एच टू नहीं दे सकते, हाइट दोनों सेम है। ओके, तो यहां पर जो है ये कैंसिल हो जाएगा, या फिर हम यहां पर भी ऐसे हाइट कैंसिल करके बता सकते हैं। बचा क्या भाई? बेस बचा है, सिर्फ बेस बचा है हमारे पास। तो अगर ऐसे दो ट्रायंगल जिनकी हाइट इक्वल हो, तो उनका एरिया किस पर डिपेंड करेगा? भाई उनका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, जिनकी हाइट इक्वल है, तो हाइट से हाइट कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, बचा वही बेस 1/2। तो उनका जो रेशियो है ये बेस पर डिपेंड करेगा। तो इसलिए स्टेटमेंट है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट। तो ऐसे ट्रायंगल जिनकी हाइट जो है इक्वल है, उनका रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग बेसिस पर डिपेंडेंट होगा। अब इसके बाद करते हैं नेक्स्ट कंडीशन, ट्रैक स्क्रीनशॉट।